हेलो स्टूडेंट, आई एम दक्षा टीचर फ्रॉम पारस इंग्लिश स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 9, घड़ी। कविता द क्लॉक पोयम। पोयम में क्लॉक के बारे में दिया है, घड़ी के बारे में दिया हुआ है। ये घड़ी बताई है, ए सेकेंड काटा है, मिनट और एक कलाक का। अभी ये सेकेंड काटा घूमेंगे, 60 सेकेंड होगी तो एक मिनट होती है, हाँ? फिर 60 मिनट होगी, सेकेंड घूमेंगे तो 2 मिनट होगी, फिर 60 मिनट सेकेंड काटा घूमेंगे तो 3 मिनट होगी, फिर घूमेंगे तो 4 मिनट, फिर वो 5 मिनट होगी, तो ये मिनट का काटा 1 पेज से 2 पेज जाएगा, ऐसे घूम घूम के पूरा 1 घंटा होता है, हाँ? से अलग अलग बताए, सेकंड काटा है, मिनट काटा और कलाक का काटा है। ये आप देख रहे हो घड़ी में 2:10 कम दिख रही है, हाँ। उसे घड़ी के बारे में दिया है कि टिक टिक करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। घड़ी पूरे दिन टिक 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 वो सेकंड काटा है, पूरे दिन घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, हम्म। आराम कभी न करती घड़ी। घड़ी आराम नहीं करती, घूमती ही रहती है, सेकंड करा पूरा ऐसे घूमता रहेगा, फिर मिनट होगी, आवर्स होगा। सुबह सब को जगाती घड़ी। सुबह में घड़ी देख के सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, है ना। समय का ज्ञान कराती घड़ी। कितने बजे हो बताती है घड़ी अपने को कि 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, ऐसे हम रात को सोते हैं, फिर जग जाते हैं तो देखते हैं घड़ी में कितने बजा है, फिर बोले 2 बजे, 3 बजे, सो जाते हैं ऐसे। चलते रहो की सीख देती घड़ी। घड़ी बोलती है कि समय के हिसाब से चलते ही रहो, हुँ? वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। वक्त यानी समय कितना है वो बताती है, उसका मूल्य बताती है ना। आपको कोई काम होता है तो हम देखते हैं कि इतने बजे तक अपनों को ये काम करना है, उसका मूल्य बताती है। समय को समझाती है घड़ी, हाँ, समय को समझाती है घड़ी। टिक टिक करती चलती घड़ी। देखो ये पोयम दी है, टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सब को जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। अभी उसके थोड़े शब्दार्थ है, शब्द है ये घड़ी, 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 आराम, 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 शुभ, शुभ, समय, समय, ज्ञान, ज्ञान, गणिका नो ज्ञान, शीख, शीख, टिक 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 टिक, रुलाती, रुलाती, समझाती, समझाती, चलते, चलते, शाम, शाम, सोते, सोते, वक्त, वक्त, मूल्य, मूल्य, जगाती, जगाती, हाँ। ये शब्द को 5 times लिखेंगे, एक घड़ी को 5 times, आराम को 5 times, सुबह को 5 times, इसे 5 times एक कॉपी करेंगे नोटबुक के अंदर,
ओके। स्वाध्याय स्वाध्याय एक्सरसाइज, एक कोष्टक में से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स दिए हैं आपको, उसमें से कंप्लीट उसके सही शब्द चुनकर फिल इन द कोष्टक में, इस कोष्टक में से लिखना है उसमें सही शब्द चुनकर, और वो पोयम है उसकी पंक्ति सेंटेंस से उसको कंप्लीट करना है। एक वन नंबर, टिक टिक करती खाली जगह घड़ी, तो इसमें चलती दी है और रुकती दी है, तो पोयम में क्या बताया है, टिक टिक करती चलती घड़ी, तो अपने को चलती लिखना है, टिक टिक करती चलती घड़ी। दो नंबर, समय क्या खाली जगह कराती घड़ी, इसमें जान दिया है और ज्ञान दिया है, तो उसमें अपने को इधर देखेंगे पोयम में समय क्या ज्ञान कराती घड़ी, इसमें से हम ज्ञान लिखेंगे, समय क्या ज्ञान कराती घड़ी। थ्री नंबर, खाली जगह सबको जगाती घड़ी, तो इसमें दिया है सुबह और शाम, तो इसमें पोयम दिया है सुबह सबको जगाती घड़ी, लिखेंगे थ्री नंबर में सुबह सबको जगाती घड़ी। फोर नंबर, खाली जगह रहो की सीख देती घड़ी, इसमें चलते और सोते, तो घड़ी क्या करती है, सोने की सीख देती है कि चलने की, तो इसमें दिया है चलते रहो की सीख देती घड़ी, तो फोर नंबर में लिखेंगे चलते रहो की सीख देती घड़ी। फाइव नंबर है, समय को है खाली जगह है घड़ी, रुलाती है कि समझाती है, तो उसमें दिया है पोयम में समय को समझाती है घड़ी, इसमें लिखेंगे फाइव नंबर में समय को समझाती है घड़ी। क्वेश्चन नंबर टू, घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। आपको एक घड़ी देखनी है और उसका राइट टाइम बताना है। देखो इसमें छोटा कांटा है 4 ऊपर है और बड़ा वाला है 12 ऊपर है, 4 और 12, तो 4 बजे है, 4 पर है और 3 पर है, तो 15 मिनट हुई, 5 10 15 मिनट हुई, तो 4:15 अभी है, 5 10 15 20 25 30 मिनट है, तो 4:30 हुई है, 4:30 हुई है, अभी ये 5 बजने में कितने 15 मिनट बाकी है, तो 4:45 4:45 हुई है। इधर दूसरी क्लॉक बनाई है, इसमें छोटा कांटा है वो 1 पे है और बड़ा है वो 12 पे है, यहाँ 1 पे और 12 पे, तो 1 बजा है, अभी वो घूम के इधर आएगा 3 पे, तो 1:15 हो जाएगी, ये नीचे 6 में आएगा तो 1:30 हो जाएगी, और इधर 9 पे आएगा तो 1:45 हो जाएगी, यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, ऊपर जाएगा तो एक कांटा भी खिसकेगा तो बोर्ड 2 बजेगा, ऐसे घूमता है तो टाइमिंग भी चेंज होते जाता है। हाँ, अभी इसमें छोटा कांटा 2 पे है और बड़ा 12 पर है, तो कितने बजे है, 2 बजे है, जैसे 15 मिनट हो जाएगी तो 2:15 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी तो 2:30 ढाई बजे है, ऐसे घूमती रहती है तो समय चेंज होता रहता है। अभी 3 बजे है, छोटा कांटा 3 पे है, बड़ा 12 पे है, 3 बजे है,
छोटा काटा 5 पे है, बड़े 12 पे है तो 5 बजे है। छोटा काटा 6 पे है, बड़ा 12 पे है, 6 बजे है। छोटा काटा 7 पे है, बड़ा 12 पे है तो 7 बजे है। अभी और 15 मिनट हो जाएगी, इधर आएगा काटा बड़ा तो 7:15 हुई, इधर आएगा तो 7:30। ऐसे घूमता रहेगा तो टाइमिंग चेंज होके जाएगा। ओके आप देख रहे हो, छोटा कांटा 12 पे है, बड़ा कांटा भी 12 पे है, तो दोनों कांटे 12 पे है तो 12 बजे है। कितने बजे है? 12 बजते है तो दोनों कांटे ज्वाइंट हो जाते हैं, बड़ा और छोटा। 12 बजे है। अभी बड़ा कांटा 3 पे आएंगे तो ट्रेन कितने बजेंगे? 12:15 हो जाएगी। फिर वहाँ से घूमते वो 6 पे आएंगे तो 12:30 हो जाएगी। फिर वो कांटा घूम के 9 पे आएगा तो 12:45 हो जाएगी। अभी वो घूम के इधर आएगा तो ये बड़ा कांटा है वो इधर जाएगा 1 पे, और छोटा कांटा 1 पे जाएगा, बड़ा कांटा 12 पे होगा तो 1 बजेगा। फिर 15 हो जाएगी तो 1:15 हुई, फिर 1:13 हुई, 1:45 हुई, फिर 2:15 बाकी रहती है, थोड़ा कांटा खिसकेगा फिर वो 12 पे आ जाएगा तो इधर 2 बज जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू घड़ी चालू ही रहेगी, यू पूरा समय चेंज होता जाएगा। ओके समझ गए ना? ओके अभी 2:15 हुई है, 2 बजे ऊपर 15 हुई है तो 2:15। फिर इधर 6 पे आएगा तो 2:30, 9 पे आएगा तो 2:45। फिर अभी 3:15 कम है, ये 12 पे आएगा तो इधर 3 बज जाएगा। पूरा ही घूम घूम के आएगा बड़ा कांटा 12 पे तो इधर 3 बजेगा, है ना? ये एक कांटा है वो 3 पे आ जाएगा। जैसे कांटे घूमेगा, सेकंड कांटा घूमता रहेगा, फिर मिनट कांटा खिसकेगा, फिर हावर्स कांटा ऐसे जाएगा तो 3 बजेगा। फिर इधर ऐसे 5 पे आएगा और 15 इधर होगी, छोटा कांटा 5 पे होगा और बड़ा कांटा 3 पे होगा तो 5:15 हो जाती है, हैं? फिर दोनों इधर आएंगे, इधर 5 पे होगा बड़ा कांटा और छोटा कांटा 5 पे होगा, बड़ा कांटा 6 पे होगा तो 5:30 से घूमेगा, वैसे टाइमिंग चेंज हो जाएगा। ओके देखो अभी एक क्लॉक में 7:20 हुई है, इसमें बताया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे बताया हुआ है, तो इसमें बजा है 7:20 बता रहे हैं, 7:20 20 में है, 5:10 है, छोटा कांटा है बड़ा कांटा है तो 5:10 इसमें है, 1:15 1 है छोटा कांटा 1 पे, बड़ा कांटा 15 पे है तो 1:15 हुए है। इसमें देखो अभी इसमें बजे है 12:05 हुए है तो 12:05। ये देख रहे हो आप, छोटा कांटा है वो 8 पे है, बड़ा है वो 20 पे है, 4 पे है तो 20 हुई है ना, है ना? ये 15 है और 5 हो गए तो 20 हो गई, तो 8:20 हो गई। अब ये है 6:00